गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेप फॉर बेटर लाइफ में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से ओबेसिटी को आप एक्यूप्रेशर के थ्रू ठीक कर सकते हैं, या एक्यूप्रेशर के साथ साथ आप ऐसे कौन से टिप्स को फॉलो करें जिसकी वजह से आप अपने वेट को आप कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला दोस्तों आता है कि हाई प्रोटीन का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करने से आपकी बार बार खाने की जो आदत है, जिसको कि हम ईटिंग बिहेवियर बोलते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती। दोस्तों, इसमें सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है कि आपको शुगरी ड्रिंक्स और फूड जूस को अवॉइड करना चाहिए कुछ भी खाने से पहले। स्पेशली आप जब ब्रेकफास्ट लें, लंच लें या डिनर लें, उससे पहले आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपकी काफ़ी हद तक भूख आपको कम लगेगी और आप खाना कम खाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है अपने वेट को कंट्रोल करने का। चूज वेट लॉस फ्रेंडली फूड। आपको ऐसे फूड को चूज करना चाहिए जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प कर सके, जैसे कि लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड पोटैटोस, सूप्स या वेजिटेबल सूप को प्रेफरेंस देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीन्स और सीरियल्स को भी आप इसमें इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। नट्स, होल ग्रेन्स, चिली पेपर, फ्रूट्स, ग्रेप फ्रूट, चिया सीड्स, कोकोनट ऑयल, फुल फैट योगर्ट, तो इस तरीके की डाइट आप अगर प्रेफरेंस देते हैं दोस्तों, तो इससे काफ़ी हद तक आपको वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और जो टिप्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप चाय या कॉफ़ी भी ले सकते हैं। स्टडीज शो करती हैं कि कॉफ़ी में जो कैफीन होता है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसके साथ साथ अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो भी आपके फैट को बर्न होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अपनी डाइट को कोशिश कीजिए कि होल फूड के ऊपर ही बेस्ड करें, जो कि हेल्दियर होते हैं, और इससे आपकी ओवर ईटिंग जैसी प्रोसीजर जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो भी आप फूड लेते हैं उसको बहुत स्लोली च्यू करिए। जल्दी जल्दी खाने से आपका वेट गेन होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आपको स्लीप एक गुड क्वालिटी में लेनी चाहिए। स्लीप की आपको इम्पोर्टेंस अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो स्लीप प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। पुअर स्लीप से भी आपका वेट गेन होता है, तो कोशिश कीजिए आप गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप लें। 7 से 8 घंटे की आप साउंड स्लीप लें। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, फूड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, जूसेस से रिलेटेड, आप उनको फॉलो करते रहिए और अपनी हेल्थ को बेटर कीजिए। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए है, तो इसीलिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और शेयर कीजिए जो आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, ताकि दूसरों का भी इसमें बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।